दोस्तों, जैसा कि आप हमारा स्क्रीन पर मॉडल देख रहे हैं, इस मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं, आपने थंबनेल देखा होगा। काफ़ी खूबसूरत प्लान है, हमारी पेड सर्विस का हिस्सा है। हमें एक हमारे जानने वाले थे या समझ ले कस्टमर थे, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस प्लान को मैंने क्रिएट किया है। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, उन्हें वैसा मॉडल चाहिए था, तो आज हम इसी प्लान को डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए लगातार, मैं पहुँच जागरूक और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, स्मॉल हाउस प्लान आपको लगातार अपडेटेड वीडियो, नए नए मॉडल्स रहता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमसे जुड़ करके आप अपने घर भी बनवा सकते हैं, घर के नक्शे बनवा सकते हैं, लेकिन वो हमारी पेड सर्विस है, इसका विशेष ध्यान रखें, उसके लिए आपको पे करना होगा। तो आज का जो प्लान है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके लिए मैं ले चलूंगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा प्लान आज का होने वाला है, काफ़ी खूबसूरत प्लान होने वाला है। अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ का काफ़ी बड़ा है, 44x48 फीट में अप्रॉक्स से पूरा मॉडल बना है। और इनका जो वेस्ट में भी इनका एक रोड है और नॉर्थ साइड में भी रोड है और इनके चारों तरफ रोड है, इस वजह से मैंने चारों तरफ विंडो दिया है। हालांकि सिंपल विंडो दिए हैं, इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इन्हें दे दूंगा। ऊपर एक गुमटी भी बना रखी है मैंने, बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे होंगे, बेहतरीन सा मॉडल आपके सामने बनकर रेडी होता है और इसी मॉडल को आज हम आपके सामने पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो ये इनका फ्रंट है, साइड की बात करें तो ये इनका साइड है जिसपे डोर पे एक दिया है जहाँ से ऊपर जाएंगे। अगर इसमें मैं जूम करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा दूँ, ग्रिल की डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और क्रिएटिव क्रिएट की है। ये पीओपी का वर्क यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। साइड में इधर भी आप देख सकते हैं कि इधर भी आपकी डिज़ाइन बनी हुई है, ग्रिल को इस्तेमाल किया है। इधर ग्रिल जो बनी है वो दोस्तों थोड़ा डिफरेंट है, इधर वाली ग्रिल डिफरेंट है। इसके बाद आप जो गाँव में खपरहल वाला डिज़ाइन देखते हैं ना स्लोप, वो यहाँ पर ये बारंदा है क्योंकि इनका फ्रंट में बना हुआ है, उसी को मैंने कवर किया है इधर एल शेप में। वहीं बात करें, इधर इनका एक बेडरूम है जिसपे एक मैंने बेहतरीन सा विंडो दिया है और उस विंडो में एक फ्रेम और ऊपर आपका ये देख रहे होंगे जो कि खपरेल का डिज़ाइन होता है। ये पूरा बरंदा है जो कि दो पिलर पर टिका हुआ है। ये तो इस फ्रंट की बात हो गई। साइड की बात करें तो इधर साइड से आप देख सकते हैं दो विंडो हैं और ये डोर है जो एंट्री कर पाएंगे। ये वेंटिलेशन के लिए दोस्तों, यहाँ पर बाथरूम है तो यहाँ पर वेंटिलेट किया है। अब हम इन्हीं मॉडल को, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं पूरा पूर्णता। आप देख सकते हैं पहले टॉप व्यू आप देख लें, टॉप से आपको ऐसा दिखेगा, साइड से आपको ऐसा दिखा गया। ग्रिल ये मैंने इधर मात्र 11 फीट क्रिएट किया है, बाकी चारों तरफ वॉल क्रिएट कर रखी है। अगर आप चाहें तो इसे ग्रिल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ बड़ा काम नहीं है। तो ये पूरा प्लान आपका अब बनकर रेडी होता है। अब बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है। इधर देखिए एक बेडरूम, पहले मैं इसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें टेक्सचर मैंने अलग दिया है और विंडो दिया है। यहाँ से आप चढ़ेंगे तो बारंदे में आप आ जाते हैं, पूरा बारंदा आपको दिख रहा है, इस पर दो पिलर है और ये दोस्तों खपड़ैल का डिजाइन आपको दिख रहा होगा, ये एल शेप में जो कि बारंदे के आसपास बना हुआ है। मेन एंट्री के लिए आपका ये डोर है। इधर दोस्तों एक गेस्ट रूम है, मैं अभी दिखाऊंगा उसके लिए। गेस्ट रूम के लिए अलग से एक डोर और विंडो दिया है। इधर इनका बाथरूम है तो वेंटिलेशन के लिए ये एक लगा है। तो मेन डोर ये है, इधर से आप एंट्री करेंगे तो टॉप व्यू पहले मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर से घर कैसा दिखने वाला। तो ये देखिएगा पूरा प्रॉपर तरीके से घर इनका दिखने वाला है। तो जैसा मेन डोर से एंट्री करते इस वाले डोर से, तो आप देखिएगा इसे डाइनिंग हॉल इसे बोलिएगा, आंगन बोलिएगा, कुछ भी बोलिएगा, यहाँ पर आपका पूरा बड़ा सा स्पेस देखने को मिलेगा। वहीं लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक बेडरूम देखने को मिलता है। तो ये पूरा बेडरूम आपको देखने को मिलता है जिसके लिए अंदर से डोर है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, इधर आएंगे और दोनों तरफ इसका विंडो है फ्रंट और साइड में। तो ये दोनों विंडो इसको प्रॉपर वेंटिलेट करते हैं। और ये देखिएगा इसके बाद राइट हैंड की अगर हम बात करें तो राइट हैंड पर एक आपको गेस्ट रूम मिलता है। इस गेस्ट रूम के लिए देखिए अलग से मैंने डोर, बारंदे से डोर दिया और एक विंडो भी दिया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अब देखिएगा, इधर मैं लेफ्ट हैंड की पहले बात कर लेता हूँ। ये दोस्तों इनका पूजा घर है, ये छोटा सा, हालांकि मैंने यहाँ पर देख सकते पूजा घर है। यहाँ पर मैंने एक विंडो भी दिया है और ये आपकी स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स इधर से चढ़ना आप स्टार्ट करेंगे, टर्न होंगे और फिर बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो ये आपका देख सकते हैं स्टेयर्स है। सबसे पीछे आपको तीन बेडरूम टाइप को दिख रहे होंगे, पहले उन्हें समझा देता हूँ। तो ये दोनों बेडरूम हैं दोस्तों, ये इनका बड़ा सा किचन है, इनको बड़ी किचन चाहिए थी। आप देख सकते हैं किचन में दो आपका विंडो देखने को मिलता है, कॉर्नर पर विंडो, और ये जो बेडरूम है इसके पीछे भी विंडो देखने को मिलता है और आगे भी मैंने इस पर एक विंडो दे रखा है इन दोनों पर। तो प्रॉपर वेंटिलेट है इनका घर। और ये इधर क्योंकि इनका ऑलरेडी वेस्ट साइड में भी रोड है तो उनको निकासी के लिए मैंने एक डोर दिया है, ये विंडो दिए हैं, इस डोर से एंट्री भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं, हालांकि मैं अभी ऐसा बात कर रहा था इस, तो ये दो बेडरूम हो गए, ये आपका किचन एरिया हो गया। इसके बाद अब मैं वेस्ट साइड से आपको डिस्कस करूंगा। ये वेस्ट साइड है इनका, साइड वाला। तो इधर डोर से एंट्री करेंगे ये
और अंदर पहुंचेंगे। अंदर पहुंचते ही ये देखिए इनका एक लेट बना हुआ है, इसे गेस्ट रूम में अटैच्ड, जो गेस्ट रूम था ना फ्रंट से दिखाया, अटैच एक लेट बाथ मैंने यहाँ पर दिया, ये देख सकते हैं कॉर्नर पर लेट बाथ अटैच्ड है इसका। जब वेस्ट से एंट्री करते हैं तो एक आपका लेट इधर मिलता है इसका, ये एक कंबाइंड लेट बाथ और देखने को मिलता है, कंबाइंड जो सब लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। इसका डोर मैंने देख सकते हैं इधर से दे रखा है। तो यहाँ पर अगर बात करें बेडरूम की तो चार बेडरूम मिलते हैं, एक फ्रंट में कॉर्नर पर, एक गेस्ट रूम, दो बेडरूम्स और ये बड़ा सा किचन, ये पूजा घर और यहाँ पर एक गेस्ट रूम से अटैच लेट एंड बाथ है, ये सेपरेट लेट एंड बाथ और सेपरेट बाथरूम भी है देखने को मिलता है। ये बारंदे का डिजाइन आपने ऑलरेडी देख ही लिया, तो ये पूरा मॉडल बनकर रेडी होता है। काफ़ी इन्होंने चीज़ें क्रिएट कराई और ये प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग दोस्तों घर है, प्रॉपर वास्तु इसके अकॉर्डिंग ये घर पूरा बना हुआ है। स्टेयर्स वगैरह आप देख सकते हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके में। और आपको जूम कर दूं जिससे आपको बनवाते समय कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये पिलर हैं दोस्तों, हालांकि पहले नॉर्मल पिलर बनते, इसका ये डिज़ाइन बनता है पीओपी वाला बनाता है। साइड में आप देख सकते हैं ये ऐसे दो विंडो हैं और नॉर्मल विंडो इधर भी देख सकते हैं। तो ये पूरा 44x48 में मॉडल बनकर रेडी होता है ग्राउंड फ्लोर। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। अब फर्स्ट फ्लोर पर जैसे स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे ना, तो ये आपको बड़ा सा छत देखने को मिलेगा। और ये जो आपका फ्रंट में बेडरूम था इसको मैंने 2.5 फीट आगे छज्जा निकाला है, जिसपे एक ग्रिल आप देख रहे होंगे। इस पर आपको जहाँ पर छत बना हुआ वहीं पर छज्जा मैंने नहीं निकाला, बस आपका ये जो खपड़ैल वाला डिजाइन है ये आगे निकला है 2 फीट में, और ये ग्रिल का डिजाइन बना हुआ है। साइड में ग्रिल बनी है, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल है, ये गुमटी जो कि स्टेयर्स को ढकता है, और डोर भी मैंने दिया है और गुमटी के चारों तरफ भी खपड़ैल का डिजाइन दिया है। लास्ट फ्लोर पर ये देखिएगा 3 फीट का बाउंड्री वॉल उसके ऊपर और ग्रिल का इस्तेमाल किया है। अब इस पर चढ़ने के लिए आपको जो स्टेयर्स की आवश्यकता होगी, यहाँ पर सीढ़ी लगानी पड़ेगी, आप आयरन की या लकड़ी की किसी भी लगाकर इस पर पहुँच सकते हैं। तो ये ओवरऑल बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी होता 44x48 में। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था, पेड सर्विस इस्तेमाल की उन्होंने हमारे, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये मॉडल पूरा बना हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये मॉडल पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारे चैनल से अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पेड सर्विस का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, वो कॉलिंग नंबर नहीं है, केवल व्हाट्सअप पर चैट होगी। अगर आप डायरेक्ट चैट करना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।